हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ शाही चिकन ज़ाफ़रानी दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं चिकन ज़ाफ़रानी दम बिरयानी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अब मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। और नमक डाल दूंगी 1 टीस्पून के जितना। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मैं 15 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई कर दूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं बाकी का प्रोसीजर कर लूंगी। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी। मैंने 2 टीस्पून की जितना रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, मैंने जीरा और धनिया साबित धनिया को दरदरा पीस लिया है। मैंने पहले से भून के रख दिया था, मैंने इसे पीस लिया है। और 1 टीस्पून की जितना गरम मसाला पाउडर, ये सारे चीज मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैं पुदीना और हरा धनिया डाल दूंगी। मैंने इसे चॉप करके पहले से ही रख दिया था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। मैंने 400 ग्राम की जितना नई दही लिया है, मैं ये सारा दही इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। प्याज फ्राई हो रहा है, इसे मैं गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैंने साबित गरम मसाला लिया है, जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची और हरी मिर्च, ये सारे चीज मैं पीस लूंगी। मैंने मसाले को पीस लिया है दरदरा। अब मैं इसमें डाल दूंगी, चिकन में डाल दूंगी ये सारा मसाला। मैंने दरदरा पीसा है, इसे खुशबू बहुत अच्छी आएगी बिरयानी में। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। मैंने बड़े साइज का नींबू लिया है। अगर आपका नींबू छोटा रहे तो 2 डालिए, मीडियम साइज का रहे तो 1.5 डालिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं
मैंने सॉस पैन ले लिया है, इसमें मैं एक कप के जितना पानी डाल दूंगी और इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दूंगी। ये ज़ाफ़रानी बिरयानी है, ज़ाफ़रान ज़रूर पड़ता है इसमें। अब मैं इसे चूल्हे में रख के इसे पका लूँगी थोड़ी देर तक। इसे मैं 5 मिनट तक पका लूँगी ज़ाफ़रान के पानी को। प्याज गोल्डन होने आ चुका है, अब मैं इसे निकाल दूँगी। प्याज को मैं अच्छे से चूर लूंगी। अब मैं इसे चिकन में डाल दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। मैंने करीब करीब 4 से 5 टेबलस्पून की जितना ऑयल डालूंगी। मैं ये वही ऑयल है जिसे मैंने प्याज तला था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान का पानी डाल दूंगी। मैंने ज़ाफ़रान का पानी पका के रख दिया था, थोड़ा मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा दम के वक्त डालूंगी। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है दम पे डालने के लिए। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। अब मैं चावल की तैयारी कर दूंगी। मैं चूल्हे में अदन रख दूंगी। मैंने करीब करीब 1 किलो चावल लिया है, इसके हिसाब से मैं गरम मसाला डालूंगी, दालचीनी, लौंग, इलायची और शाजीरा इसमें डाल दूंगी। 1 किलो चावल ले रही हूँ, इसके हिसाब का नमक डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए। अब मैं इसे चूल्हे में रख दूंगी। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। मैंने चावल को धो के पहले से ही रख लिया है। मैं चावल को 60% तक कुक कर लूंगी, फिर इसे मैं निथार लूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूंगी, इससे चावल खिले खिले होंगे। चावल 60% तक कुक हो चुके हैं, अब मैं इसे निथार दूंगी। मैंने चावल को निथार दिया है, अब मैं इसे चिकन में डाल दूंगी। मैं चावल को चिकन में डाल दूंगी धीरे धीरे करके। मैंने एक बड़े से इसका नींबू का रस निकाल दिया है, मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से। इसमें मैं ज़ाफ़रान का पानी डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दूंगी।
मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून की जितना थोड़ा सा देसी घी डाल दूंगी। सारी साइड फैला दूंगी मैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसे कवर करके दम पे रख दूंगी। 10 मिनट तक चूल्हा मैं फुल पे रखूंगी और उसके बाद मैं 20 मिनट तक लो हीट पे रख दूंगी दम होने के लिए। बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा ज़ाफ़रानी कलर आया है बिरयानी में और टेस्ट में इतना अच्छा ही रहेगा। चिकन ज़ाफ़रानी दम बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अगर आपके घर में दावत हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और झटपट से बन जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।